मेरे हिसाब से फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री कुछ नहीं चाहिए मुझे लगता है, एक साथ हमसे वसूल लिया जाए इनकम, ये फ्री, ये थोड़े टाइम के लिए फ्री हो रहा है, ये कोई झांसा हो सकता है पब्लिक के लिए, देखिए आज बिजली फ्री है उसके बाद वो हमसे वो डबल वसूला जाए। अभी वो कहते हैं ना कि भैया दुनिया की सबसे सीधी चीज कौन सी होती है, जलेबी। वो कहां कहां से रास्ता निकाल के बना दे, पहुंच जाए पता नहीं चलता, जलेबी मुंह में जाए तो यू नो जुबान में एक मिठास सी आ जाती है, मन में भले कितनी कड़वाहट हो जुबान में मिठास बनी रहती है, जलेबी खत्म हो गई है कोई बात नहीं, तारीफ हो रही है आपकी, डिमांड में जलेबियां बहुत हैं आपकी, गाजर के हलवे भी डिमांड में चल रहे हैं आपके। मैम चलिए आप आ गई हैं तो अब आपसे जान लेते हैं आपकी नज़र में कौन है दिल्ली का सीएम। सर मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, केजरीवाल सर ने बहुत अच्छा काम किया है, पर जो रोड्स की हालत है अगर वो थोड़ा इसको भी देख लें तो बेटर है, रोड्स और ये गंदगी थोड़ा बहुत इसको भी देख लें, जो कूड़े के ढेर रहते हैं बहुत अनहाइजीनिक है, एटलीस्ट रोड्स की रिपेयर और ये जो कूड़ा जगह जगह इकट्ठा रहता है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बेटर होगा, ये फ्री, ये थोड़े टाइम के लिए फ्री हो रहा है, ये कोई झांसा हो सकता है पब्लिक के लिए, ये ऐसा ना हो कि हमसे एक साथ वसूला जाए कि लास्ट में बोले कि जितना बिल है वो ऑलरेडी हम बहुत टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी 20-20 हज़ार टैक्स कटता है, तो मुझे लगता है एक साथ हमसे वसूल लिया जाए, इनकम इनकी बहुत होती है एक बात हमने जान लिया, टैक्स बहुत देती हैं, तो एटलीस्ट हम चाहते हैं कि रोड्स की रिपेयर और थोड़ा सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए जो हाइजीनिक है। फिर तो सर देखिए मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि देश को प्रोग्रेस करना चाहिए, वो हमें ऐसा कोई झांसा ना दे कि आज बिजली फ्री है उसके बाद वो हमसे वो डबल वसूला जाए, देश प्रोग्रेस करे उसके लिए थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, मतलब आप लीजिए हमें क्वालिटी वर्क दीजिए, क्वालिटी वर्क दीजिए, हमें झांसा मत दीजिए कि हम फ्री कर रहे हैं और ऐसा होगा, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, देश प्रोग्रेस करे वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए जो देश के लिए इम्पोर्टेंट है, फ्री क्यों कर रहे हैं, लोग मिसयूज ही तो करेंगे उसका, जब फ्री हो गया तो सब कुछ चल रहा है, लाइटें जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, फ्री नहीं होना चाहिए, जब हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको यूटिलाइज करने का सोचते हैं कि उसको हम तरीके से यूटिलाइज करें, एक चीज़ मुझे फ्री मिल रही है ना तो मैं उसकी कीमत को समझूंगी नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल बड़ी सही बात बोली, ये परफेक्ट गृहिणी है, मैंने पहले कहा जाता। अच्छा। तो जैसे आप बाहर जाती होंगी कभी काम से आने में देरी लगती होगी, कैसे महसूस करती है जब बाहर निकलती हैं, अकेले बाहर निकलती हैं रात के समय में कि दिन के समय भी, कभी मन में डर या खौफ कोई? सर मतलब जिस एरिया में मैं रहती हूँ ये काफ़ी सेफ है, यहाँ पर हम अगर 10 बजे तक भी आए तो इट इज़ प्रिटी सेफ इस मामले में, पर फिर भी मैं आप एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही हूँ, पर जैसे हम नोएडा की साइड जाएँ या कहीं थोड़ा दूर जाएँ तो हम थोड़ा अनसेफ फील करते हैं अभी भी। तो मैं सिर्फ पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी या कह के या बीजेपी का कांग्रेस का के नहीं, मैं तीनों के नाम से जानना चाहूँगी, तीनों सरकार कोई भी सरकार आए तो उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर? सर महिला सुरक्षा को लेके थोड़ा विजिलेंस तो होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत विजिलेंस लाइक कि जैसे पुलिस को कहीं ना कहीं तैनात रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, पेट्रोलिंग पे होना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब लेडीज अभी भी सेफ थोड़ा सा फील नहीं करती हैं सर, ये एरिया सेफ है इसमें कोई डाउट नहीं है, पर आप नोएडा की साइड चाहिए कहीं और चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है सर। तो यानी पुलिस को पेट्रोलिंग पर रहना चाहिए और कहीं ना कहीं जो कैमरा लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इंसान को डर तो होता है उस चीज से। लेकिन मैम कैमरा का फायदा कहाँ तक होगा, कैमरा का फायदा कहाँ तक, कैमरा हो जाए तो कैमरा भी कैमरा कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं करता, अगर पुलिस पेट्रोलिंग पे है थोड़ा बहुत तो शायद वो किसी लेडी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपसे बात हुई बहुत अच्छा लगा। अब हम आते हैं यू नो जलेबी पे आते हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला जलेबी मुंह पे घुल जाए तो मिठास भर जाती है, तो भैया जलेबी आप बनाते रहते हैं जैसे नेता, जबरदस्त तरीके से बातें घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, वैसे आपकी जलेबी घूमती रहती है, वो सीधी वाली गलियां निकाल देते हैं आप। तो आपकी नजर में कौन है दिल्ली का सीएम? केजरीवाल। केजरीवाल जी क्यों? केजरीवाल ने कई जगहों पे फैसिलिटीज अच्छी दे रखी है, जैसे पहले हॉस्पिटलों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी, दवाइयां वगैरह नहीं मिलती थी, तो इन सब चीजों का बहुत फर्क आता। अब जैसे मेरे फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं इस वक्त, तो अभी तो खैर वैसे तो खैर वो प्राइवेट में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लेकिन कभी सरकारी में भी आना जाना पड़े तो बहुत चीज़ों का फायदा फर्क आ गया उन जगहों पर, जैसे दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पे मिलने लग गई हैं, डॉक्टर टाइम से देखने लग गए हैं, और वहाँ पे बहुत चीज़ों का साफ सफाई का हर चीज़ का फर्क आ चुका है हॉस्पिटलाइज के अंदर। रही बात बिजली बत्ती की, तो 200 यूनिट्स तक फ्री हैं, तो एक आम आदमी के घर पर आजकल एकल परिवार होते जा रहे हैं, तो एकल परिवार के हिसाब से 200 यूनिट्स फ्री चल रही है, तो उस चीज़ का भी बिजली बचत में 1,800 रुपये का जो बिल आ जाया करता था उसका भी फर्क पड़ रहा है उस चीज़ के अंदर। और उसके अलावा अपने स्कूलिंग का, स्कूल वगैरह उन पर उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, बच्चों के लिए आज की डेट में ज़रूरी नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट में भी पढ़ा सकता है, गवर्नमेंट में भी काफ़ी अच्छी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं बच्चों को।
एक बड़े ही प्यारे से जोड़े, शाम का सर्दी में शाम का लुफ्त उठाते हुए। सर क्या नाम है आपका, शुभ नाम? मेरा नाम आदेश गुप्ता है। आदेश गुप्ता। मैम आपका? अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता, बड़े ही प्यारे। सर आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ दो लोग मिल गए हमें, एक मिल गई है जो घर चलाती है और एक मिल जो घर के बाहर सब कुछ संभालते हैं, तो सर आपकी नजर में कौन है दिल्ली का सीएम, कौन इस बार दिल्ली की गद्दी संभालेगा? देखिए चांसेस तो लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आए, बट कह नहीं सकते क्योंकि कड़ी टक्कर रहेगी अब की बार। हो सकता है कि सीटें पहले से थोड़ी कम हो जाए, बट चांसेस हैं कि केजरीवाल आए क्योंकि काफ़ी सारा काम लगता है कि हुआ है केजरीवाल के थ्रू।